और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत का दौरा तय हो गया है। 2 और 3 जनवरी को 3 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल जाएंगे प्रधानमंत्री। 2 जनवरी को तिरुचिरापल्ली जाएंगे पीएम। चौबीस लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण के राज्यों में बीजेपी इस बार पूरा जोर लगा रही है। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार नए साल की शुरुआत दक्षिण भारत के दौरे से करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 और 3 जनवरी को 3 राज्यों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल जाएंगे। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली जाएंगे, जहां वो भारती दासन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के अगात्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति समागम को संबोधित करेंगे। स्त्री शक्ति समागम में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। दक्षिण भारत के 6 राज्यों की कुल 103 लोकसभा सीटों में बीजेपी की सिर्फ 4 सीटों पर ही लोकसभा सांसद है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने के लिए पार्टी बहुत मेहनत कर रही है।